NRC 142। साथियों, ये जो ढेर आप देख रहे हैं सोयाबीन फसल के पौधों का, ये 4 एकड़ जो हमारी 142 लगी हुई थी उसके अंदर से जो मिक्स पौधे थे, उस मिक्स पौधे का ढेर है ये। इतना सारा मिक्स इसके से अंदर से निकाला है हमने और प्योर सीड बनाने का प्रयास किया है। ये मिक्स पौधे हमने आज ही नहीं निकाले, उसके पहले फूल अवस्था में भी निकाले थे। ये NRC 142 है और विनीत कुमार सर की बहुत ही शानदार वेराइटियों में से एक मानी जाती है और वर्तमान में अभी सोयाबीन की दुनिया में तहलका मचा रही है और भविष्य की बहुत अच्छी वेराइटी है ये। रोग वगैरह भी कुछ नहीं है इसमें, अच्छा लॉजिंग भी बिल्कुल नहीं है, इतना बड़ा पौधा होने के बाद भी गिरी नहीं है अभी तक। नमस्कार किसान भाइयों, वैसे तो सोयाबीन की कई किस्में देखी हमने और कई तरीके से लगी हुई भी देखी, लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं रानीपुरा गांव में धार जिले में और यहाँ पर इन्होंने विजय पाटीदार जी ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से NRC 142 लगाई है। इन्होंने बेड पर लगाई है और तीन तीन दाने एक जगह पे लगाई है और फसल देखकर हमको तो मज़ा आ गया। अभी तक पिछले वीडियो में आपने देखा था वकील साहब के यहाँ, हमने देखी थी बने सिंह जी चौहान के यहाँ, वहाँ भी काफ़ी साफ सुथरा खेत थे और काफ़ी अच्छी फसल थी। और इसके साथ ही विजय पाटीदार की जो फसल है वो भी आप देख के दंग रह जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि कम से कम यह 12 से लगा के 14 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देगी। आपको मैं अभी वीडियो में सारी डिटेल दिखाऊंगा, कितनी कितनी दूर लगी है, कैसी फलियां लगी है और कितने दिन की हुई है ये। लगभग 105 दिन की हो गई है फसल, पककर बिल्कुल तैयार है। पानी की संभावना की वजह से इन्होंने अभी इसको रोक के रखा है, नहीं तो ये कम से कम 8 दिन पहले भी कट सकती थी। विजय पाटीदार जी, अपने गांव का नाम बताइए आप। रानीपुरा। जिला? धार। तहसील? बदनावर। आपने कौन कौन सी वैरायटी लगाई है अभी? मैंने 1135, RVS, RVS 1104, NRC 142, GSK 2172 और 139। अच्छा, बहुत ही जोरदार फसल है साथियों, मन खुश हो गया है, देखकर मजा आ गया है यहाँ की फसल। ये इनका पूरा खेत देखिए, लगभग 4 एकड़ का प्लाट है यह। मैंने खेत के चारों तरफ घूमकर मोबाइल ऐप से इसका नाप किया है, उसमें 1.6 हेक्टर आ रहा है। आप देखिए इसमें बेड करीब 3 फीट चौड़ी है और एक बेड के ऊपर 3 लाइनें लगाई है और बेड से बेड की दूरी लगभग 2.5 फीट है। उसके बाद फिर एक 3 फीट की बेड बनाई, उसके ऊपर 3 लाइनें फिर लगाई गई है और लगभग 100 दिन में पक जाती है। अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना की फसलें लगभग 5 से 6 महीने में इतनी फलियां ले पाती है, जबकि हमारे यहाँ लगभग 3-3.5 महीने में ही ऐसी फसल तैयार हो गई है। पौधे की हाइट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मेरे मोबाइल में वो पूरा पौधा आ भी नहीं पा रहा है। NRC 142 किस्म में फलियां भूरे कलर की होती है, उसके ऊपर रोएं होते हैं और फूल नीले कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के। पूरे खेत में एक जैसी फसल है, जैसी हमें मेड़ पे दिखाई देती है ज़्यादा फलियां, वैसे ही पूरे खेत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फलियां लगी हुई है। NRC 142 जो वैरायटी है वो बहुत ही दमदार वैरायटी है, पिछले साल रिलीज हुई है और लगभग इसकी उम्र 100 दिन की है और पैदावार में इसका अभी तक कोई तोड़ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है।
रोगों के प्रति भी बहुत काफ़ी कुछ ये रेजिस्टेंट है। जड़ से संबंधित जितने भी रोग हैं, फंगस, उनसे भी रेजिस्टेंट है ये। पीला मोजेक से मध्यम प्रतिरोधी है पीला मोजेक के लिए ये। सोयाबीन की किस्म NRC 142 2021 में रिलीज की गई थी और इसमें JS 9752 का क्रॉस है। यह मध्य भारत और दक्षिण भारत के लिए अनुशंसित की गई है। NRC 142 किस्म उत्तर भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में उत्पन्न की जा सकती है और इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। यह किस्म महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों के लिए अनुशंसित है। NRC 142 में इस तरह से मिक्स पौधे आए थे जो सूखने पर काली फली वाले दिखते हैं। इसके अलावा फूल के समय भी सफ़ेद फूल वाले भी पौधे थे इसके अंदर, जिनको हमने 3 बार निकाला है।